अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू ऑफिशियल चैनल ऑफ सुल्तान अहमद गोल्ड माइनिंग। मैंने इस चैनल पर बहुत सी गोल्ड माइनिंग वीडियोस अपलोड की हैं और उनके साथ वॉइस ओवर ना होने पर बहुत से कमेंट्स आए कि ये माइनिंग किधर है और कौन कौन इसे कर रहा है। पहला क्वेश्चन ये है कि इसकी लोकेशन कहाँ है। तो इसकी लोकेशन दरिया सिंध के किनारे सूबह खैबर पख्तूनख्वा के ज़िला नौशहरा के इलाके निज़ामपुर के मुख्तलिफ गांव जैसे गंदाब, मामा खैर, श्वांगी वगैरह जिसमें यह माइनिंग हो रही है। दूसरा क्वेश्चन ये कि यह माइनिंग कौन कर रहा है। तो ये माइनिंग मकामी लोग, इसमें कोई कंपनी चाइनीज़ वगैरह इन्वॉल्व नहीं है, ये मकामी लोग कर रहे हैं। तीसरा क्वेश्चन ये कि यह माइनिंग लीगल है या इलीगल। तो मैं आपको बताता चलूँ कि ये माइनिंग जो है हुकूमत की तरफ से इसकी कोई इजाज़त नहीं है, तो ये इलीगल है। और ये वीडियो देखते हुए आपको सारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे। ये जो वीडियो में नज़र आ रहा है, दरिया के उस तरफ जो किनारा है वो पंजाब का एरिया है और यहाँ जो माइनिंग हो रही है दरिया के इस तरफ, ये KPK खैबर पख्तूनख्वा का इलाका है। जैसा कि मैंने बताया इसकी लोकेशन वगैरह, काम की नवीयत इस तरह है कि 8 से 10 लोग शराकत दारी में इकट्ठा होकर 3-3, 4-4 लाख रुपए इकट्ठा करते हैं और एक महीने रेंट पर मशीन एक्सक्वेटर लाते हैं जो अमूमन 10 से 12 लाख का होता है। फिर प्लांट को माइनिंग के लिए स्पेशल डिज़ाइन होता है और गोल्ड माइनिंग की स्पेशल कारपेट्स जिसकी तमाम वीडियोस मैंने अपने चैनल पर अपलोड की हैं, आप वहां जाकर उसे तफसील से देख सकते हैं। मेरे अंदाज़े के मुताबिक इस सीज़न में 2500 के करीब मशीनें आ चुकी हैं और रोज़गार के ज़बरदस्त मौके इस इलाके में को मैसर आ गए हैं, क्योंकि हर मशीन पर 3 मज़दूर, 1 बावर्ची, 1 डीजल लाने वाला लगता है और हर महीने मेरे अंदाज़े के मुताबिक तकरीबन 20,000 से 30,000 और ज़्यादा से ज़्यादा 50,000 लीटर डीज़ल लगता है और हर मशीन तकरीबन 5 से 20 ग्राम एवरेज सोना निकालती हैं। इस सारे माइनिंग की वीडियोस मैंने अपने चैनल पर अपलोड की हैं, आप वहां जाकर उसे देख सकते हैं। ये मेरी पहली वीडियो वॉइस ओवर के साथ है, अगर कोई गलती हुई हो तो माफ़ कीजिएगा। आइंदा भी इंशाल्लाह आपकी खिदमत में बेहतरीन कंटेंट के साथ आएंगे। शुक्रिया। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें।